सो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस आज का वाला वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट ईओ गन स्किन इन फ्री फायर। यानी गाइस हमारे गेम के अंदर सबसे बेस्ट ईओ गन स्किन कौन सा है। यहाँ पे SMG वेपन का बात करने वाला हूँ मैं। जैसे कि यार यहाँ पे ईओ EMP हो गया, MP5 हो गया या MP40 हो गया। गाइस यहाँ पे इन तीनों गन स्किन को हम लोग यहाँ पे 1x1 करके कंपेयर करने वाले हैं। और गाइस आज के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे इन तीनों गन स्किन में से सबसे ज्यादा पावरफुल गन स्किन कौन सा है। अगर आप लोग एक CS प्लेयर हो तो गाइस आप लोग के लिए इन तीनों गन स्किन में से कौन सा गन स्किन सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और गाइस यहाँ पे एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, काफी सारे बंदे मेरे को यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई वो लोग मेरे गिल्ड में किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा मेरे गिल्ड का नाम डार्क फायर, और गाइस ये रहा मेरे गिल्ड का ID। तो गाइस अगर आप लोग मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो तो गाइस आप लोग यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। मैं आप लोग का रिक्वेस्ट तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा। और गाइस यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि बंदा इतने लेवल का होना चाहिए या इसका नाम चेंज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग सिंपली से आ सकते हो, आप लोग को नाम चेंज नहीं करना होगा, आप लोग का लेवल थोड़ा बहुत अच्छा रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे अभी गिल्ड में काफी सारे बंदों के लिए यहाँ पे जगह है। तो गाइस अगर आप लोग डेली एक्टिव रहते हो तो गाइस आप लोग मेरे गिल्ड में बेझिझक आ सकते हो, लेकिन गाइस आप लोग को डेली एक्टिव रहना होगा। सो गाइस चलो हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने तीनों गन स्किन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट्स का बात करूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को तीनों गन स्किन के अंदर बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तीनों गन स्किन के अंदर आप लोग को डबल डैमेज अप देखने के लिए मिल जाएगा, रेट ऑफ फायर यहाँ पे आप लोग को सिंगल अप देखने के लिए मिल जाएगा, और गाइस यहाँ पे रिलोड स्पीड आप लोग को तीनों गन स्किन के अंदर सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। सो गाइस चलो मैं जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। और गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों गन स्किन के डैमेज के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और गाइस अब मेरे हाथ में तीनों गन स्किन है। मैं यहाँ पे तीनों गन स्किन से 1x1 करके फायर करने वाला हूँ, और गाइस उसके बाद यहाँ पे आप लोग खुद स्किन तीनों गन स्किन का डैमेज देख सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोबरा गन स्किन से फायर करूंगा, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोबरा MP40 आप लोग को बॉडी डैमेज 25 करके देता है एक विदाउट वेस्ट वाले एनिमी के ऊपर। और गाइस यहाँ पे आप लोग को 137 का हेडशॉट निकाल के देगा, जो कि यार काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा डैमेज है। तो गाइस ये तो हो गया कोबरा MP40 के बाद। और गाइस यहाँ पे अगर मैं इसका रेंज बढ़ाता हूँ तो देख सकते हो मिड रेंज से भी 25 करके ही डैमेज देता है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा और रेंज बढ़ाता हूँ तो गाइस यहाँ से इसका रेंज बढ़ाने पे इसका डैमेज 25 से घट के 20 पे चला आता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो MP5 एकदम क्लोज रेंज में 25 करके डैमेज दे रहा है, बॉडी डैमेज जो कि यार कोबरा MP40 भी दे रहा था। और गाइस यहाँ पे सेम आप लोग को 137 का हेड शॉट देखने के लिए मिल जाएगा एकदम क्लोज रेंज के अंदर। और गाइस यहाँ पे अगर मैं मिड रेंज की बात करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 25 करके मिड रेंज में MP5 डैमेज देने वाला है, जो कि यार MP40 भी डैमेज दे रहा था, कोबरा MP40 भी। और गाइस यहाँ पे अब इसका रेंज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसका डैमेज कम नहीं हुआ, जबकि यार कोबरा MP40 का डैमेज कम हो चुका था। तो गाइस ये चीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे MP5 के अंदर। और गाइस अब यहाँ पे फाइनली EMP का बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे आप लोग को 27 करके बॉडी डैमेज देखने के लिए मिल जाता है इन दोनों गन स्किन से काफी ज्यादा। और गाइस यहाँ पे आप लोग को 148 का हेड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा डैमेज है। और गाइस अब मैं अगर इसका रेंज बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मिड रेंज से MP5 27 करके डैमेज देता है, जो कि यार इसका डैमेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ शॉर्ट रेंज में और मिड रेंज में भी। लेकिन गाइस इसका रेंज में थोड़ा सा और अगर बढ़ाता हूँ तो यहाँ से देख सकते हो 25 करके इसका डैमेज चला आता है, 27 के बजाय ये वाला गन स्किन थोड़ा सा रेंज बढ़ाने पे 25 करके डैमेज देता है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहे यहाँ पे तीनों गन स्किन के डैमेज। यहाँ पे हेड शॉट आप लोग को MP40 और गाइस MP5 के अंदर बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे EMP के अंदर आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा हेड शॉट देखने के लिए मिलता है। डैमेज का अगर बात करता हूँ तो गाइस यहाँ पे MP40 और गाइस MP5 शॉर्ट रेंज में 25 करके डैमेज देते हैं, लेकिन गाइस वहीं पे EMP आप लोग को 27 करके डैमेज देता है। मिड रेंज में भी सेम यही होता है, लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बढ़ाने पे MP40 का डैमेज 25 से घट के 20 पे चला आता है। MP5 का डैमेज बिल्कुल सेम ही रहता है, शॉर्ट रेंज में भी 25 करके डैमेज देता है और थोड़ा सा रेंज बढ़ाने पे भी 25 करके डैमेज देता है, लेकिन गाइस यहाँ पे EMP का डैमेज 27 से घट के 25 पे आ जाता है थोड़ा सा रेंज बढ़ाने पे। तो गाइस देखो अब मैं अगर फाइनली बात करता हूँ कि भाई यहाँ पे डैमेज कौन से वेपन के अंदर सबसे ज्यादा तगड़ा है, तो गाइस यहाँ पे डैमेज आप लोग को EMP के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। MP40 और MP5 लगभग आप लोग को सेम डैमेज निकाल के देते हैं, लेकिन गाइस वहीं पे
ईवीएमपी आप लोग को बहुत ज्यादा तगड़ा यहाँ पे डैमेज और हेडशॉट निकाल के देता है, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छा बात है। तो भाई इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है, हमारा ईवीएमपी यहाँ पे सबसे ज्यादा आगे निकल रहा है डैमेज के मामले में। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग ईवीएमपी लवर हो तो, और गाइस चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो मेरे चैनल को भी, क्योंकि गाइस मुझे भी काफी ज्यादा जरूरत है आप लोग के सपोर्ट का। तो गाइस चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीनों के रेट ऑफ फायर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और गाइस हम लोग यहाँ पे तीनों गन स्किन से सेम टाइम पे फायर करेंगे। तीनों गन स्किन के अंदर आप लोग को सिंगल रेट ऑफ फायर अब देखने के लिए मिलता है। तो गाइस चलो मैंने यहाँ पे फायर कर दिया और यहाँ पे अब देखते हैं किसका बुलेट सबसे ज्यादा फास्ट निकला। और तो एक सेकंड मैं यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को स्लो मोशन में करता हूँ और अब यहाँ पे अच्छे से हम लोग को समझ में आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हमने फायर शुरू कर दिया है और यहाँ पे MP40 के अंदर रिलोड आ चुका है, और गैस EVMP और EVMP5 के अंदर सेम टाइम पे रिलोड आया। तो गैस देखो अब मैं अगर फाइनली बात करता हूँ कि गैस यहाँ पे EVMP40, MP5 और गैस यहाँ पे EVMP के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन कौन सा है, तो गैस यहाँ पे MP40 सबसे ज्यादा बेस्ट रेट ऑफ फायर वाला गन स्किन है। मैंने यहाँ पे तीनों गन स्किन के अंदर सेम बुलेट रखे थे, तीनों गन स्किन के अंदर बराबर बुलेट थे, और उसके बावजूद यहाँ पे कोबरा MP40 सबसे ज्यादा यहाँ पे तगड़ा बुलेट फायर किया, सबसे ज्यादा तेज बुलेट यहाँ पे फायर किया। तो गाइस देखो अब मैं यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करूँ कि भाई यहाँ पे इन तीनों गन स्किन में से कौन सा गन स्किन सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो गाइस चलो मैं यहाँ पे तीनों गन स्किन को रैंकिंग पे रखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि कौन सा गन स्किन कितना ज्यादा बेटर है। तो गैस मैं यहाँ पे टॉप 3 पे रखूंगा MP5 को, क्योंकि गैस यहाँ पे MP5 के अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर डिसेंट देखने के लिए मिलता है, डैमेज आप लोग को अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन गैस यहाँ पे टॉप 2 पे मैं यहाँ पे रखूंगा MP40 को, क्योंकि गैस यहाँ पे MP40 के अंदर आप लोग को सबसे तगड़ा यहाँ पे रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है और डैमेज भी आप लोग को काफी ज्यादा अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस अगर आप लोग CS प्लेयर हो और गैस आप लोग एकदम क्लोज रेंज में जाकर सामने वाले बंदे के ऊपर फायर करते हो तो गैस यहाँ पे MP40 आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और गैस मैं यहाँ पे टॉप 1 पे रखूंगा EVMP को, क्योंकि गैस EVMP के अंदर आप लोगों को काफी तगड़ा यहाँ पे डैमेज देखने के लिए मिल जाता है और गैस यहाँ पे आप लोगों को रेट ऑफ फायर भी ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल जाता है। तो गैस अगर आप लोग EVMP को एकदम क्लोज रेंज में यूज करते हो या एनिमी से थोड़ा सा दूरी बनाकर उसके ऊपर फायर करते हो तो गैस EVMP आप लोगों को बहुत तगड़े यहाँ पे डैमेज और हेडशॉट निकाल के देता है। तो गैस इसलिए यहाँ पे EVMP मेरे हिसाब से इन तीनों गन स्किन में सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सो गैस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गैस यहाँ पे इन तीनों गन स्किन में से कौन सा ईओ गन स्किन आप लोग पास, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और गैस आप लोगों ने उसको कितने लेवल तक अपग्रेड करके रखा है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे यार ये तीनों गन स्किन है और गैस यहाँ पे ये तीनों गन स्किन को मैंने लेवल 4 तक अपग्रेड करके रखा है। तो गैस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गैस आप लोग पास कौन सा ईओ गन स्किन है। तो गैस चलो यार इसी के साथ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और गैस प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि गैस मुझे भी आप लोग के सपोर्ट का यार काफी ज्यादा जरूरत है। और गैस जो जो बंदे मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो आप लोग को मैंने बता दिया कि आप लोग किस तरह से मेरे गिल्ड में आ सकते हो, आप लोग मेरे गिल्ड का ID लेके आप लोग उस पर रिक्वेस्ट डाल दो, मैं आप लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। और ज्यादा कुछ बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग नॉर्मल एक अच्छे खासे लेवल के प्लेयर होने चाहिए, आप लोग को नाम भी चेंज नहीं करना होगा, आप लोग सिंपल से मेरे गिल्ड में अगर आना चाहो तो आ सकते हो। तो गैस चलो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग मेरे पहली बार आ रहे हो तो गैस आप लोग मेरे चैनल को एक बार देखो, सही लगे तो यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को भी। तो गैस चलो मैं मिलता हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए बाय।